हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंडी बांध। तो गाइस, आज आपको हम कहीं घुमाने ले जा रहे हैं, होपफुली आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये है हमारी सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की सड़कें। धीरे धीरे पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। ये देखिए, रेड लाइट। और आपको पता है चंडीगढ़ में रूल रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट हैं कि कोई भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग के आगे जाएगा तो उसका तुरंत चालान कर दिया जाएगा। सो बी केयरफुल। ओए कहाँ, चलो लाइट्स आ गई, बढ़ते हैं आगे। और इतना सुंदर मौसम है, मैं क्या बताऊँ, बहुत सुंदर मौसम है, आप देख ही सकते हैं बिल्कुल। एक्चुअली हम शाम को गए हैं ना, तो थोड़ा सा लग रहा है, बट नज़ारे तो शाम के ही होते हैं। दोपहर में कोई धूप में मरने नहीं जा सकता यार, सीरियसली इतनी कड़क धूप चल रही है आजकल। और शाम को देखो कितना सुहाना मौसम है, और जगमगाती हुई लाइट्स और ठंडी ठंडी हवा। सोचो, जस्ट इमेजिन, है ना, चारों तरफ हरियाली। चंडीगढ़ में सिटी ब्यूटीफुल इसीलिए तो फेमस है कि यहाँ पे चारों तरफ हरियाली होती है, और इसीलिए शायद इसको सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है। चलते जाइए चलते जाइए, अभी पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल आप चंडीगढ़ की देखो कितनी सुंदर सड़कें हैं, इतनी सुंदर सड़कें, इतना ग्रीनरी तो फॉरेन कंट्रीज़ में भी नहीं होगी, कहीं नहीं होगी इतनी, है ना। देखिए फिर से रेड लाइट, बट रूल रेगुलेशंस, ट्रैफिक रूल्स का बहुत सख्ती से पालन किया जाता है, वरना जगह जगह पे कैमरास लगे हुए हैं, आपके घर पे, आपके फ़ोन पे चलान आ जाएगा तुरंत बिना किसी देर किए। तो हम आ गए हैं, गेस कीजिए, कोई गेस कर सकता है क्या ये कौन सा रास्ता है? लोकल लोगों को तो पता ही होगा ये कौन सा रास्ता है। अरे मौसम देखो यार आप, और कुछ मत देखो, मौसम देखो कितना सही है, ब्यूटीफुल, इतना सुंदर, कूल। मतलब गर्मी में कूलिंग का एहसास किसी को करना हो ना तो शाम को जाए यहाँ पे। चलो मैं बता ही देती हूँ, हम जा रहे हैं सुखना लेक, और वो भी फ्रंट साइड से नहीं, बैक साइड से, क्योंकि फ्रंट साइड से क्यों जाएं हम, है ना, पार्किंग चार्जेस देने पड़ते हैं, ऊपर से इतना इतनी हरियाली कहाँ देखने को मिलेगी यार। तो इसलिए जब भी जाओ बैक साइड से जाओ, देखो बैक साइड पे भी कितना क्राउड रहता है, अच्छी पार्किंग मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग मिलेगी, और ऊपर से आपको फ्रेश एयर मिलेगी, क्योंकि देखो कितने सारे पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, है ना। मिल गई, पार्किंग तो फुल है, बट आई होप कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। और यहाँ पे अरे बाप रे कितना क्राउड है यार। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये नहीं, यहाँ पे नहीं है, आगे मिल जाएगी, बट टाइम लगेगा। चलते रहो आगे। आप मौसम के नज़ारे लो यार, देखो कितना मस्त लग रहा है ना, इट्स रियली ब्यूटीफुल। इतना सुहाना मौसम है, शाम के टाइम ही जाओ लेक, कभी जाना हो तो, ये मैं सजेस्ट करती हूँ आपको, बिकॉज दिन के टाइम में लेक जाना तो बेवकूफ़ी ही है एक तरह से, बिकॉज बहुत धूप होती है, और हाँ सर्दियों में जा सकते हैं दिन में। देखिए अब हम यहाँ से बैक साइड से स्टेयर्स चढ़ेंगे, और धीरे धीरे सांस भी फूलेगी। बट ऐसा कुछ नहीं है, आराम से चलेंगे धीरे धीरे, वीडियो बनाते बनाते, क्योंकि आपको दिखाना है ना, ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन फॉर द विजिटर्स, ठीक है। तो मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करना है, अदरवाइज फाइन लगेगा। तो
देखो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। फाइनली सांस लेते हुए, सांस अटकते हुए हम पहुंच ही गए, और यहाँ से सीधा आपको दिखाएंगे सुखना लेक के दर्शन। भाई मत्था टेक लो, यहाँ लोग जॉगिंग करने आते हैं, ये देखो दोनों साइड जॉगिंग करने जाते हैं। और जॉगर्स लाइन साइड पे बनाई हुई है अलग से, ताकि लोगों को जॉगिंग करते हुए प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, ये हम पहुंच गए हैं सुखना लेक, और ये आपको साक्षात लेक के दर्शन हो रहे हैं, तो आप दर्शन कीजिए। वाह, इट्स रियली ब्यूटीफुल। एक किनारे से दूसरे किनारे तक के आपको सारे दर्शन करवा रही हूँ मैं। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और सुखना लेक की ब्यूटी देखेंगे। क्लीनलीनेस का भी पूरा ध्यान दिया जाता है यहाँ पे। रौनक तो इतनी होती है कि लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत क्राउडी हो जाता है कई बार तो, और शाम के टाइम ऑब्वियसली, क्योंकि हर किसी को थोड़ा सुकून चाहिए लाइफ में। ये देखिए ऐसे स्कल्पचर बने हुए हैं, साथ में उनके बारे में इन्फॉर्मेशंस भी दे रखी है। सी सुखना गैलरी, ये देखिए, ये तो मैं जब भी जाती हूँ बंद ही दिखता है, कुछ पता नहीं है क्या ये। कोई कहता है सुसाइड पॉइंट है, कोई कुत्ता कुछ कहता है, कोई कुछ, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, बट लुक्स ग्रेट। ऐसा लगता है ये हमारा हेरिटेज है। पब्लिक पब्लिक, ये तो पब्लिक है, सब जानती है पब्लिक है। ओह माय गॉड, कितना क्राउड है यार। देखो जगह जगह पे इन्होंने सुरक्षा चेतावनी यानी सेफ्टी वार्निंग से रखे हैं कि ज़्यादा आगे मत जाइए, पानी के पास ज़्यादा भी मत जाइए। इस टाइम लोग वॉक करने भी आते हैं, देन अच्छा लगता है थोड़ा सा। और ये देखिए फ्लावर्स बने लगाए हुए हैं, और सिखना सुखना लेक पे जगह जगह लाइटनिंग, म्यूज़िक म्यूज़िक तक का भी अरेंजमेंट होता है। लाइट लाइट म्यूज़िक चलता रहता है, कई बार पुराने सॉन्ग्स लगा देते हैं, बहुत ही एंटरटेनिंग है सच में। जाना चाहिए सबको, आई थिंक सो। रात का टाइम था थोड़ा सा, बट मज़ेदार था। देखिए टॉयलेट मेन क्या है कि जब हम लोग कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हमारे हमें चाहिए कि टॉयलेट होना चाहिए, वहाँ पे पानी पीने की सुविधा होनी चाहिए, तो यहाँ पे सब कुछ है। ये देखिए ये टॉयलेट था, अब ये देखिए ये भी कुछ घास वास काटने की मशीन है, रोड रोलर, स्मॉल रोड रोलर। और यहाँ पे आगे चल के देखिए ये पानी, जगह जगह पे ये पानी के लिए बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे आप पानी किसी टाइम भी पी सकते हैं। और ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स, पेड़ पौधे, हरियाली तो इतनी है यहाँ पे कि आपको फ्रेश एयर यहीं मिल सकती है विदाउट पोल्यूशन, फ्रेश एयर। लोग पता नहीं यहाँ आते हैं और कितनी यादें अपने साथ लेके जाते हैं, है ना। रात का टाइम है, थोड़ा सा क्लियरिटी कम है, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल। जिस जिस मैं बता रही हूँ तो आपको समझ में आ ही जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। हाँ, सफाई का इतना ध्यान रखा जाता है कि जगह जगह डस्टबिन बने हुए हैं, बट कुछ लोग होते हैं बेवकूफ़ जो ना ऐसे ही कहीं भी गिर देते हैं, बट नहीं ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पूरा ध्यान रखते हैं सफाई का। और ये देखिए दे क्यूट स्वीट सुंदर से फ्लावर्स, यहाँ तो जाओ ना मन ही नहीं करता वापस आने का, क्योंकि एक तो देखो कूलिंग इतनी है, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है, पानी लेक का पानी होता है ना, तो थोड़ा उसकी वजह से भी अच्छी हवा आती है। ये देखिए क्या क्या बनाए हुए हैं यहाँ पे, डस्टबिन तो हर जगह मिलेगा, और पानी के लिए भी सुविधा की हुई है, और बहुत अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स यहाँ देखने को मिलते हैं। मतलब अपनी तरफ से जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ रखी, बाकी पब्लिक तो पब्लिक है बॉस। हाँ देखो देखो देखो, टप के जा रहे हैं, ये नहीं कि हम जो रास्ता बनाया है वहाँ से चले जाएं। बताओ बुजुर्ग लोग हैं फिर भी इनको पता नहीं चलता यार।
घूमो घूमो। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे सच में। ब्लॉग शूट करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है इस टाइम, चाहे रात का टाइम है बट देखो पानी का टैप यहाँ पे लगा हुआ है और लोग अपना आराम से पानी वानी पी रहे हैं। जगह जगह इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगा रखे होते हैं, जगह जगह चीज़ें होती हैं कि यहाँ पे ये चीज़ है वो चीज़ है, हेरिटेज ट्री है। अब ये हेरिटेज ट्री क्या है ये आप पढ़ सकते हैं इसमें, द लेक पीपल ट्री। इतना पुराना है ना, मैं तो जब से पैदा हुई हूँ मैं इसको देख रही हूँ। और ये मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ है पीपल का, और इसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं बट आई डोंट नो कि सच है कि झूठ है, बट ये हेरिटेज है हमारा, चंडीगढ़ का हेरिटेज है। सी कितना कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये पेड़, बहुत ही सुंदर है, अमेजिंग। और लोग यहाँ पे खड़े होके फोटोज खिंचाते हैं यार, मेमोरीज। पता नहीं, मुझे लगता है पुरानी फिल्मों की शूटिंग्स होती थी ना वो भी इस पेड़ के आसपास है। कभी देखना हिंदी फिल्मों की, चंडीगढ़ में शूटिंग्स हुआ करती थी तो लेक पे शूटिंग ज़रूर होती थी। ये देखो ये बोट है, बोट बोट यस। अब आगे बोट्स ही होंगी। और एक बुरी खबर है कि अभी आप बोट में बैठ के कैमरा यूज़ नहीं कर सकते। आई डोंट नो व्हाई, लोग सेल्फीज़ वगैरह के चक्कर में थोड़ा सा डिसिप्लिन भूल जाते हैं ना, तो शायद इस वजह से भी उन इंस्ट्रक्शंस हैं। दिखाऊंगी मैं, आगे बोर्ड आएगा एक। नज़ारा देखो, नज़ारा हाय हाय कितना सुंदर नज़ारा है। गाइस वोट वोट जो है, वोटिंग करना दिन में ज़्यादा सेफ है। ये देखिए यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन भी है छोटा सा, तो यहाँ पे पुलिस वाले मेंटेन करते हैं यहाँ पे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो कुछ हो तो ये लोग सब मतलब संभालते हैं, बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं। और देखिए अब हम मेन जो एंट्रेंस है ना, एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं। एंट्रेंस में तो टॉयज शॉप्स, खाने पीने की चीज़ें, रेस्टोरेंट, ये वो सब कुछ मिलेगा आपको। तो हम उल्टे से आए हैं ना, तो हम उल्टे से सीधे की तरफ जा रहे हैं, वो अलग ही मज़ा है ना। सीधे से उल्टे की तरफ जाने का क्या फ़ायदा है ना, इतनी हरियाली दिखेगी फ्रंट से तो कभी भी नहीं दिखेगी। फ्रंट से तो ऐसे लगेगा नॉर्मल रोड है ये वो, बट जब आप बैक साइड से जाते हैं ना तो आपको हर तरह की हरियाली दिखती है, लाइक मज़ा आ जाता है। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स हैं। पता है आपको ये धुंधला क्यों दिख रहा है, क्योंकि सुखना लेक चाहती है कि आप लोग खुद आके यहाँ विजिट करें ताकि आप अपनी आँखों से देख पाएँ ये सब चीज़ें। ये तो सिर्फ ओवरव्यू है, अगर थोड़ा सा पहले आते ना तो उसका अलग ही मज़ा आता। देखिए छोटे बच्चों के लिए टॉयज, गेम्स, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। अंधेरा बढ़ चुका है बट घूमने का मज़ा अभी भी उतना ही है। बहुत क्राउड है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए यहाँ पे लोग फोटोग्राफी करते हैं, ये बनाए हुए हैं चंडीगढ़, चंडीगढ़ द सिटी ऑफ पैलेस। क्या लिखा है यहाँ पे पढ़ा ही नहीं गया यार, चलो कोई बात नहीं। वो आंटी खड़ी थी ना आगे, आंटी आ गई। ये देखो चंडीगढ़ का सिंबल, ओ सिटी ऑफ पीस। हाँ चंडीगढ़ द सिटी ऑफ पीस, यस। देखिए बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और बच्चों के साथ साथ उनके मम्मी पापा ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। देखो सो एंजॉयबल, फन पार्क होता है ना वैसा सा कुछ है यहाँ पे। और हाँ रीजनेबल भी है,
बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर आप पहली बार ही आएंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए लोग स्केच वो भी बनवाते हैं, ड्राइंग वगैरह स्केचिंग वगैरह भी अपनी बनवाते हैं। ये बहुत फेमस है यहाँ पे कि स्केचिंग बनवाते हैं लोग, यहाँ के अपने स्केच बनवाते हैं। और आर्टिस्ट इतने मतलब अच्छे होते हैं कि वो एकदम बढ़िया स्टैचू बन आपका सॉरी स्केच बना के देंगे, बहुत परफेक्ट। ये भी कुछ यहाँ पे स्टार्ट किया है काफ़ी टाइम पहले से। बठिंडा अम्यूजमेंट पार्क, बठिंडा अम्यूजमेंट पार्क ऐसे ही कुछ लिखा था शायद। देखिए किसी को जूस पीना है, किसी को चाउमिन्स खाने हैं, किसी को खाना खाना है, डोसा खाना है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज़ हेयर। बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिलेगा आपको यहाँ पे। आप यहाँ आएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि बस हमने मतलब यू नो लाइक पैसा वसूल। क्राउड देख सकते हैं, क्राउड बहुत ज़्यादा है, बट इट्स ओके, क्राउड है तो मज़ेदार क्राउड है। हर एक चीज़ अवेलेबल है, मतलब लोग यहाँ पे आते हैं तो ऐसा नहीं है कि हाँ ये नहीं मिला वो नहीं मिला, भूखे नहीं रहे। मेन क्या होता है, बाहर जाते हैं तो ये होता है ना कुछ खा पी लें, मेन यही होता है। बाकी शॉपिंग शॉपिंग का तो इतना नहीं होता, बट खाने पीने का होना चाहिए, वॉशरूम्स वगैरह पानी वानी की सुविधा प्रॉपर होनी चाहिए, तो यहाँ पे वो हर चीज़ मिलेगी आपको। हाँ ये देखो सिटको वालों ने भी अपना लगाया हुआ है, बट ठीक है क्राउड इतना ज़्यादा होता है, डीलिंग भी इतनी खास नहीं है इनकी, पर चलो सामान मिल जाता है। सुखना लेक आप जब भी आए चंडीगढ़ तो सुखना लेक ज़रूर घूमें, रॉक गार्डन सुखना लेक। अभी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको कहीं और घुमाने ले जाऊंगी, और तब तक के लिए आप लोग मेरी वीडियो देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों को क्या चाहिए, यही सब चीज़ चाहिए, चाहे गला ख़राब हो कोई प्रॉब्लम नहीं। और प्लीज़ आना ज़रूर आप यहाँ पे, देखिए सारी जगह मतलब आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी क्या क्या चीज़ें हैं ना, क्या क्या नहीं है। ये बोट्स हैं रात में, आई थिंक टाइमिंग्स होते हैं इनके तो दिन दिन में चलने देते हैं। सेल्फी एंड फोटोग्राफी ऑन बोट्स इन लेक इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यस बताया था मैंने आपको, तो ये गलती आप कभी मत कीजिएगा। कुछ हादसे हो जाते हैं ना लाइफ में ऐसे से, बट इट्स ओके, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और एंटरटेनमेंट के साथ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो आप ध्यान रखिए, अपना सब ख्याल रखिए, और घूमने ज़रूर आइए लेक पे। होप ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, और अब हम जा रहे हैं गो बैक टू पवेलियन। ये देखिए ये डॉगी अब आ रहा है ऊपर, भाई अब कुछ नहीं है यहाँ पे, पब्लिक जा चुकी है। तो ओके गाइस, आपको बहुत पसंद आया होगा ये, मुझे तो अच्छा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।